दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो सैमसंग अनलॉकिंग के ऊपर है। दोस्तों, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन का लॉक बहुत ही आसानी से अनलॉक कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपके सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, चाहे वो पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, दोस्तों किसी भी तरह का लॉक हो, और आप उस लॉक को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, आपने पूरी कोशिश कर ली है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन का लॉक बहुत ही आसानी से अनलॉक कर पाओगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सैमसंग के मोबाइल का लॉक अनलॉक करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखें, और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास में आज ये सैमसंग का फ़ोन आया है, तो दोस्तों इसमें पिन लॉक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो सैमसंग के किसी भी मोबाइल का लॉक कैसे अनलॉक करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों हमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की, इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। फिर तीनों बटन छोड़िए, वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करें, फिर पावर की छोड़ देनी है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे, और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या आपको कोई भी प्रॉब्लम आया करे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर लिया करो, मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे। दोस्तों अगर आपका फ़ोन इस तरीके से चालू हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, दोस्तों फिर आपको अपने पीसी लैपटॉप की यूएसबी केबल को लगा देनी है, और दोस्तों अगर आपके पास में पीसी लैपटॉप नहीं है तो आप चार्जर की यूएसबी केबल को लगा दें। और दोस्तों यूएसबी केबल लगाने के बाद हमें फिर से वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की, इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। फिर तीनों बटन छोड़िए, वॉल्यूम अप, पावर की प्रेस करें, फिर पावर की छोड़ देनी है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखें, दोस्तों हमारे जो फ़ोन है वो रिकवरी मोड में आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखें, अब दोस्तों हमें वॉल्यूम डाउन वाली की प्रेस करनी है, और फैक्ट्री सेट पे लाके फिर पावर की प्रेस करें, फिर वॉल्यूम डाउन, फिर पावर की। तो दोस्तों हमारे जो फ़ोन है वो फॉर्मेट हो चुका है, ये आप देख सकते हो। अब दोस्तों हमें पावर की दबा के अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन को चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वरना आप अपने फ़ोन का FRP लॉक बाईपास नहीं कर पाओगे। दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो चालू हो चुका है, अब दोस्तों हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट, फिर स्किप। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक आ जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर नेक्स्ट, फिर इसको ऊपर करें, फिर इस पे क्लिक करें, फिर स्किप, फिर स्किप। फिर नेक्स्ट, फिर स्कीप, फिर स्कीप, फिर फिनिश। तो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो लॉक था वो अनलॉक हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ऊपर करें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारे फ़ोन में जो लॉक था वो अनलॉक हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।